हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी पावन और फलदायी तिथि मानी जाती है। इस बार मोहिनी एकादशी 19 मई रविवार यानी आज के दिन थी। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। सभी एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। तीर्थ नगरी पुष्कर में श्रद्धालुओं का आना भोर की पहली किरण के साथ ही शुरू हो गया था। तीर्थों के गुरु के नाम से सुप्रसिद्ध पवित्र पुष्कर सरोवर के घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही हवन पूजन कर दान किया। सरोवर के घाटों पर बड़ी संख्या में धार्मिक श्रद्धालुओं ने पुण्यार्जन के लिए पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान विष्णु की पूजा की। भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं के लिए शीतल जल की व्यवस्था के लिए जगह जगह स्थानीय नागरिकों की ओर से ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए स्थानीय ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मुस्तैद नजर आए। बता दें कि मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु के अमृत कलश को देवताओं और दानवों में बंटवारे पर मोहिनी रूप धारण करने का दिन है। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की सुंदरता ने दानवों का मन मोह लिया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने अमृत का कलश दानवों से लेकर देवताओं में बांट दिया। अमृत पीकर देवता अमर हो गए और जगत कल्याण करने में देवता जुट गए। जबकि अमृत अगर देवताओं की बजाय दानवों को मिल जाता तो दानवों की प्रवृत्ति के कारण सृष्टि समेत सभी प्राणियों पर गहरा संकट आ जाता। मोहिनी एकादशी पर तीर्थ राज पुष्कर में स्नान कर विधिवत पूजा अर्चना करने व जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन और परिक्रमा करने से श्रद्धालुओं को सुफल की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन जल का दान सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा गाय को घास खिलाने और निर्धन लोगों को भोजन करवाने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आज मोहिनी एकादशी का व्रत है और वैशाख मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये पंचतीर्थ स्नान भी कहलाएगा। आज के दिन फल और जल का विशेष महत्व माना जाता है, तो प्रातः काल से यात्रीगण स्नान कर रहे हैं और फलों का दान भी कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तीर्थ में एकादशी के दिन स्नान करने से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। आज जो कि वैशाख मास है, सबसे बड़ा वैशाख महीना माना जाता है। 12 महीने के अंदर जो कि श्रद्धालु आते हैं या जो राजस्थान के अलावा ऑल इंडिया से जो श्रद्धालु 12 मासिक नहाने आते हैं, वो सबसे पहले 12 मासिक पावन घाटों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और उस वैशाख महीने के अंदर मटकी, आम के लड्डू और आम जो लाके बांटते हैं ब्राह्मणों को, हर जगह प्यावे लगते हैं घाटों में, सरोवर के किनारे जो प्याऊ लगती है, श्रद्धालु आते हैं, पुष्कर सरोवर की पूजा करते हैं और अपने पितरों की आस में याद करते हैं और सबसे बड़ा वैशाख महीना माना जाता है। आप बता रहे हो कि प्याऊ लगती है, गवर्नमेंट की तरफ से लगती है ये? श्रद्धालु जो बाजार के अंदर श्रद्धालु है और जो भक्तजन है वो लगवाते हैं अपने 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 पितरों की याद में, अपने अपने परिवार की याद में अपने अपनी लगाते हैं।